आज का जो राशन का एहतमाम किया गया है वो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया की तरफ से किया गया है। गुरदेव ये बताओ, वहाँ जो तुम भी रहते हो, तुम भी लहसुन चलते हो, क्या क्या हिसाब पड़ता है? 2500 रुपये किलो वहीं। जी सर, वहीं से वही गुजारा करते हैं, 300 में 250 में। और वहाँ पर आए, मेरी मदद की है सर, बहुत अच्छे हैं। और आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी मेरी बेटी को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जी हाँ, आज हम उसी मकाम पे हैं जहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन और आटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये मुस्तहकिन आप देख लें, कितने सारे मुस्तहकिन खड़े हुए हैं आज भी, और ये आटे की वजह कर परेशान है। आटा राशन ये इस वक्त सॉर्ट आउट करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इनके बच्चों की हालत देख लें, ये नीचे जो घूम रहे हैं कि इनके बच्चों की हालत किस तरह है, आप इनके बच्चों के हालत से अंदाज़ा कर लें कि कितने गुर्बत हैं यहाँ पर। और ये औरतें जो हैं तकरीबन इनके घरों में जा जा के हमने विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद जो है तो एक घर का विज़िट करते थे तो दो तीन घर की ख्वातीन आ जाती थी, तो जिनमें से हमें भी सेलेक्ट करना ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि किसको सेलेक्ट करें और किसको ना करें। तो व्यूअर देखें, आज का जो राशन का एहतमाम किया गया है वो सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया की तरफ से किया गया है। और वो मज़ीद भी कुछ शादी के हवाले से जो यतीम बच्ची हैं उनके हवाले से भी कोऑपरेट करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे जिनका तआवुन रहा है सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया और उनकी वाइफ की तरफ से। तो इंशाल्लाह देखें, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और आटा बांटने का राशन बांटने का तकसीम हम शुरू करते हैं।
वीवर अल्हम्दुलिल्लाह राशन बांटने का अमल जो है मुकम्मल हो गया और इस वक्त आप क्राउड देख सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं। दिखाओ इनको, और ये लोग राशन के सोल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ की जो पोजीशन है इत्तफाक से वो इस कदर वो है कि हम जो राशन लाते हैं वो कम पड़ जाता है और बहुत सारे लोग रह जाते हैं। तो हम इन्हें ये इस उम्मीद पर वापस करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर सादिया का, सुल्तान साहब का, जो हर बार जो है वो इस राशन के काम में शमूलियत हासिल करते हैं और सवाब दारिन हासिल करते हैं। अल्लाह ताला उनको अजर खैर अता फरमाए, रब्बुल आलमीन। दूसरी बात यह कि थोड़ा सा आज मैं कुछ शेयर भी करूँगा आप लोगों से। आप कहाँ से आई हो? हैं? अच्छा, वहाँ क्या हालात हैं आपके? हालात सही नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म हो गया। करते क्या वैसे आपका? वैसे लहसुन छीलते हैं। लहसुन छीलते? अच्छा, एक बात और बता दूँ कि जो खमीसा गोट में जितनी भी ख्वातीन रहती हैं वो लहसुन छीलती हैं। और गुलदेव ये बताओ, वहाँ जो तुम भी रहती हो, तुम भी लहसुन छीलती हो, क्या क्या हिसाब पड़ता है वो? 2500 रुपये किलो। वहीं जी सर, वहीं से वही गुजारा करते हैं, 300 में 250 में, कभी 250 मिलते हैं, कभी 300, कभी 200। कितने किलो हो जाते हैं? 12 किलो लेते हैं। 12 किलो? 12 में 9 किलो आ जाते हैं। 9 के 200 रुपये देते हैं। 9 के 200 किलो देते हैं जी सर। तो ये सारा दिन आप लोगों का लग जाता है? सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। तो देखें, ये लहसुन छीलने का काम करते हैं जो आप लोगों को, जो सब्ज़ी लेने जाती हैं, जो भी ख्वातीन हैं हमारी साहिब ऐसा, तो ख्वातीन जो छिले हुए जो लहसुन उनको नज़र आते हैं वही वाले लहसुन होते हैं जी, जी वही जो ये लोग बेचारी छीलती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक खैर बीबी भी हैं। अच्छा, खैर बीबी के साथ मसला ये था कि इनकी एक बहन थी और क्वेटा में रहती थी, वो इलाज के खातिर यहाँ आई थी, और मैं 2-3 दफ़ा खैर बीबी के घर भी गया। खैर बीबी का घर भी किसी दिन आपको दिखाएंगे कि वो किस कंडीशन में रहती है। तो खैर बीबी की बहन को हुआ क्या था? खैर बीबी बताओ ज़रा। कैंसर की मरीज है। कैंसर की मरीज थी, मसाने में। अच्छा, इनकी बहन जब वहाँ से आई क्वेटा से तो अच्छी खासी सेहतमंद थी, और मैंने परसों जब जा कर देखा, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे और उनको आसानियां पेश करे, रब्बुल आलमीन उनकी तकलीफ़ को दूर फरमाए। तो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। अब इनके पास क्योंकि खाने का नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, इनके पास तमाम रिपोर्टें थी, मैं भी इनसे साथ टच में था। अच्छा, मेरा जो भी आना जाना हुआ, क्योंकि गुलदेव भी उधर रहती है, तो गुलदेव मेरा कैसा रहा काम वहाँ जो जाके देखना था? सर, आप बार बार आते थे, देखते थे और मदद भी किया है, बहुत हेल्प भी किया है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नज़रों के सामने होते हैं। ये खैर बीबी है, और खैर बीबी इतनी परेशान रही है कि इतनी दफ़ा नौ महीने से परेशान, अस्पताल में आने जाना, अभी एक हफ्ते से जवाब दिया अस्पताल वालों ने। ठीक है, तो बहरहाल सिविल वालों ने 2-3 महीने ही में उनको जवाब दे दिया, और कल वो क्वेटा रवाना हो गई, जबकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो इस किस्म के हालात हैं यहाँ पर, सबों के घर के हालात जानते हुए हम बता नहीं सकते। जी जी बताएं। सर, मेरी बेटी को भी ब्लड कैंसर है। ये सर आए थे, इन्होंने मेरी मदद की बहुत दूर से, मैं सरजानी में रहती हूँ, और वहाँ पर आए, मेरी मदद की। ये सर बहुत अच्छे हैं, और आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है, बहुत जो है सर ने हमारी मदद की। और भी बहुत लोग हैं वहाँ पर, परेशान हैं, माजूर हैं, घर से बैठे हुए हैं, बीवी काम पर जाती हैं। सर, हमने सर को बुलाया कि आके देखें, उनकी मदद करें। सेक्टर 10 की बात करें ना, तो हम इनके घर गए, इनकी बच्ची का माशाल्लाह इलाज कहाँ से करवा रही है? इंडस से करवा रही है। क्योंकि एक चीज़ वाजे कर दूँ, एक बात मैं वाजे कर दूँ, इंडस ने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चियों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कैंसर का इलाज मुफ्त करते हैं, लेकिन दवाइयों के पैसे आपको अलग से? दवाइयों के कुछ वो देते हैं, कुछ लेनी पड़ती है, और 1000 रुपये एक दिन का चक्कर है। बच्ची को अभी भी बच्ची को लेके जाना है हमने इंडस में, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जैसे ही उसकी सर में दर्द है, उल्टी हो, मोशन हो, फौरी बच्ची को लेके जाना है, और सारी रिपोर्टें, टेस्ट वगैरह आप देख लें, सब उस पर लिखा हुआ है। और मेरे शोहर भी बीमार हो गए गुर्दों का, उनका बताया वॉश होंगे, लेकिन हमने नहीं करवाए, हम जो है ना उनका हकीमी इलाज करवा रहे हैं जो है। मेरे शोहर भी बहुत बीमार हो गए, कभी सही हो जाते हैं, कभी जो है ना ये मसला है। और घर आके हमारा देख लें, एक कमरे की तो छत, वो तो मैंने देखा हुआ, मैंने देखा जो लिया है ना, मैंने देखा हुआ, मैंने एक दफ़ा वीडियो में भी बताया था, एक मिनट बता रहा हूँ।
तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैं फर्दन फर्दन अगर सबके घर की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आप देख भी नहीं पाएंगे। इनके घर जब गया था तो इनकी छोटी सी बच्ची पड़ी हुई थी और मुझसे जहाँ तक कोशिश होती रही और जितने भाई ताबुन करते रहे और मेरा ताबुन इनके साथ जारी रहा। ऐसा जी है? जी हाँ, ये सर ने बहुत हमारी मदद की है, जो बहुत सबके लिए करते हैं ये सर ना, जो अल्लाह ताला इनको अजर दे जो है ना। आमीन आमीन। तो अब बहुत सारे लोग इस उम्मीद में आते हैं कि राशन मिल जाए, लेकिन राशन लिमिटेड होता है। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम पहले उनकी लिस्ट बना लेते हैं, जब लिस्ट बना लेते हैं तो उन जैसे परेशान मज़ीद आ जाते हैं, तो हम जो लिस्ट में नाम लिखे हुए होते हैं हम उनको देने के पाबंद हो जाते हैं। तो अब ये खातून और भी हैं, इनसे ये मालूम कर लेते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मियाँ का भी काम नहीं है, मेरे मियाँ के मसला मोरों का भी और मेरा पिते का परेशान हुआ है। मैं आँखों से भी मजबूर हूँ और पैरों से भी, मैं चल फिर भी नहीं सकती, बहुत मुश्किलों से चलती हूँ और काम करती हूँ, घर के काम करके ही घर गुजारा चलाती हूँ। बस यही मेरे को कहना, और सर मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करिएगा, मेहरबानी होगी, बहुत बहुत ताबुन की बहुत ज़रूरत है हमें। सर बहुत करते हैं हमारे लिए, आप उनसे बहुत ज़्यादा ताबुन करिए जो गरीबों के चूल्हे जल सके। शुक्रिया सर, ये भी करेंगे। कौन जी? अच्छा हो गया, निटांग कर पाए मेरा, मेरा अच्छा हो गया, आँख का ऑपरेशन हुआ। हाँ, उसका शोर का एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का था उसका भी साथ एक्सीडेंट हो गया, एक ही लड़का था, बहुत साल के बाद एक ही लड़का हुआ, 15 साल की उम्र में था, उसका भी एक्सीडेंट, साथ दोनों का एक्सीडेंट हुआ, अभी अपने देवर के साथ रहता है। तो वीवर देख लें, जितने भी मुखैर हजरात हैं इनको देख लें, इधर इस तरफ मुँह करें, देखें इनका ऑपरेशन भी हुआ है। ऑपरेशन में जाहिर सी बात है किसी को लेकर आई होंगी कि आटा राशन मिल जाए, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट में शामिल नहीं थी तो ये उनको जब पता चला कि यहाँ पर राशन बांटा जा रहा है तो ऐसे ज़रूरतमंद भी आ जाते हैं, तो जिनको हम देख के अब इनको कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। तो अगर जैसे मुखैर हजरात हमसे रब्ता करते हैं और जो हमसे थोड़ा बहुत होता है हम करते हैं, ऐसी बात तो नहीं कि हम एक बंदा कोई भूखा मर रहा हो तो उसको देखते रहें, अगर एक रोटी हम खा रहे होते तो हम चाहते हैं अपनी आधी रोटी भी इनको दे दें। तो देखें जो भी मुखैर हजरात हैं वो इस कार्य खैर में हिस्सा लें तो इन सबका भला हो जाए। हम सुजुकी से निकल नहीं पा रहे हैं, जब भी हम राशन लाते हैं एक सुजुकी में लाते हैं, हम ये तवक्को कर रहे हैं कि किसी दिन हम ट्रक भर के लाएं, और ट्रक भर के लाएं तो बहुत सारे लोगों का जो है ना मसला यहाँ सॉल्व हो जाए। लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि जो मुखैर हजरात जो हमें कंटिन्यू करते देते चले आ रहे हैं, सुल्तान साहब, वक़ार मुस्तफ़ा, तो इनके अलावा अगर कुछ और लोग शामिल हो जाएं तो हो सकता है कि हम मज़दा या ट्रक की तरफ चले जाएं, वरना इन दोनों के जो कर रहे हैं ये लोग, अल्लाह ताला उनको अजर खैर दे ताकि जो इस जगह पे हम आके करते हैं और राशन जो इनके घरों में पहुंचता है, जो इनके बच्चों के हलक में पहुंचता है, जो खाते हैं, तो इस तरह इनके बच्चे भूखे नहीं रहते हैं, उसका भी अजर अजीम मिलेगा। तो देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी के साथ बीमारी है, किसी के ज़्यादातर तो यहाँ फाका है, दूसरी बात ये कि यहाँ के पानी इतना गंदा आलूदा है कि वो पी पी के किडनी ख़राब हो रहा है, कोई डायलिसिस पे जा रहा है, कहीं पथरी हो रही है, शुगर हो, हाँ, तो ये सारी किस्म की चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह देखें, ऐसे तो अगर मैं सबका इंटरव्यू लूँगा तो एक बहुत लंबी वो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह देखें आप लोगों का ताबुन रहा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।